आईपीएल 2023 के एडिशन से यहाँ पर लगभग दो ढाई महीने पहले यहाँ पर काफी सारे खिलाड़ी अब आईपीएल 2023 के एडिशन से बाहर हो चुके हैं। और इनके बाहर होने पर अब इनकी टीमों ने यहाँ पर इनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी, जहाँ पर ऋषभ पंत समेत यहाँ पर कुछ खिलाड़ी अब अपनी इंजरी के चलते या फिर अलग अलग रीजन के चलते आईपीएल 2023 के एडिशन से अब रूल्ड आउट हो चुके हैं। और इनके बाहर होने पर इनकी टीमों ने अब इनकी रिप्लेसमेंट अनाउंस कर दी। मैं इस वीडियो आपको इनकी रिप्लेसमेंट बताऊंगा, आपको बताऊंगा कौन कौन से खिलाड़ियों को आखिर इनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर इन टीमों में जगह मिली है। तो कुल मिलाकर काफी काफी इंपोर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी आईपीएल 2023 के एडिशन से बाहर हो चुके हैं, क्या रिप्लेसमेंट यहां पर अनाउंस हुई। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले खिलाड़ी की, तो सबसे पहले नाम आता है ऋषभ पंत का। दरअसल ऋषभ पंत यहाँ पर अपने एक्सीडेंट के चलते हुए अब लगभग 6 महीना क्रिकेट से दूर रहेंगे, तो इस साल आईपीएल में ये हमें खेलते हुए नहीं दिखेंगे। इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम यहाँ पर अब डेविड वार्नर को कप्तानी सौंपेगी। वार्नर यहाँ पर कप्तानी करते हुए दिखेंगे और यहाँ पर पंत की जगह मोस्ट लाइकली यहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन की दिल्ली कैपिटल्स की टीम में एंट्री हो रही है, जहाँ पर मोहम्मद अजहरुद्दीन विकेट कीपिंग कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी कर सकते हैं, पंत को यहाँ पर हेजिटीज वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये टीम मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ कॉन्टेक्ट में, तो काफी हाईली चांसेस है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को अब यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स ऋषभ पंत की रिप्लेसमेंट के तौर पर अब यहां पर जगह मिलेगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम को ना सिर्फ बल्लेबाज की नीड है बल्कि विकेट कीपर बल्लेबाज की नीड है, क्योंकि पंत के चले जाने के बाद अब इस टीम को विकेट कीपर चाहिए। इस टीम के हाल फिलहाल के स्क्वाड में कोई भी यहां पर विकेट कीपर नजर नहीं आ रहा, तो इस टीम को विकेट कीपर की नीड है। इसी वजह से अजहरुद्दीन अब इस टीम के लिए विकेट कीपिंग कर सकते हैं, इसके साथ ही बल्लेबाजी कर सकते हैं। हालांकि पंत को ये टीम विदेशी प्लेयर के साथ विदेशी बल्लेबाज के साथ रिप्लेस नहीं कर सकती है, इसी वजह से इस टीम को इंडियन यहां पर विकल्प में से यहां पर किसी एक को अब चूज करना होगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्लेयर की, तो इसके बाद नाम आता है जॉनी बेरिस्टो का। दरअसल जॉनी बेरिस्टो भी हो सकता है कि आईपीएल के यहां पर आधे सीजन में या फिर शुरुआती लगभग 4-5 मुकाबलों में उपलब्ध ना रहे। पंजाब के लिए 4-5 मुकाबले मिस कर सकते हैं इनकी पैर की इंजरी के चलते हुए, ऑलरेडी 1-2 महीने से यह आउट ऑफ एक्शन है। वर्ल्ड कप भी इन्होंने मिस किया था और हो सकता है कि आईपीएल के शुरुआती मुकाबले ये मिस कर जाए, तो इस वजह से यहां पर पंजाब की टीम इनके बैकअप के तौर पर एक यहां पर ओपनर को अपनी टीम में रखेगी, ताकि जॉनी बेरिस्टो जब तक उपलब्ध ना हो तब तक उस ओपनर को अपनी टीम में यहां पर मैच खिलाए जाए, मौके दिए जाए। तो उस ओपनर के रूप में ये टीम जेसन रॉय को अपनी टीम में शामिल करने को देख रही है, तो जेसन रॉय जॉनी बेरिस्टो को शायद यहाँ पर पंजाब में यहाँ पर इनके बैकअप के तौर पर शामिल हो जाए, तो जॉनी बेरिस्टो अब मोस्ट लाइकली पंजाब की टीम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जॉनी बेरिस्टो की जगह जेसन रॉय अब हो सकता है कि शुरुआती मुकाबले में प्लेइंग 11 में हमें खेलते हुए दिखे। तो कुल मिलाकर जॉनी बेरिस्टो की इंजरी पंजाब के लिए जो सिरदर्द बनी हुई थी, और जेसन रॉय के आ जाने के बाद शायद उतना सिरदर्द ना रहे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये सही बैकअप सही प्लानिंग है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं इसके बाद तीसरे प्लेयर की, तो इसके बाद नाम आता है कैमरॉन ग्रीन का। दरअसल कैमरॉन ग्रीन भी अपनी इंजरी के चलते अपनी फिंगर इंजरी के चलते हुए हो सकता है आईपीएल की शुरुआती 1-2 मुकाबले में उपलब्ध ना रहे। वैसे तो डॉक्टर्स ने बताया कि आईपीएल से पहले ये फिट हो जाएंगे, लेकिन अगर इनको फिट होने में टाइम लगता है आईपीएल के मुकाबलों में ये उपलब्ध नहीं होते, तो मुंबई की टीम जिमी निशम को नेट बॉलर के तौर पर या फिर ऑलराउंडर के तौर पर अपनी टीम में शामिल करने को देख रही है। तो हो सकता है कि उन मुकाबलों में जिमी निशम को मुंबई की टीम यूज कर ले, तो न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर जिमी निशम का मुंबई के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था, तो मुंबई की टीम अपनी टीम में रिजर्व में या फिर एक तरीके से नेट प्लेयर के तौर पर जिमी निशम को अपनी टीम में शामिल कर रही है। तो कैमरॉन ग्रीन जिन मुकाबले उपलब्ध नहीं होंगे वहां पर जिमी निशम मुंबई के लिए हमें खेलते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर हाल फिलहाल में इन खिलाड़ियों के बाहर होने को लेकर इन खिलाड़ियों को लेकर खबरें निकल करी, और इन खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट्स भी कुछ इस प्रकार से। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन से खिलाड़ी को लेकर आपको सबसे अधिक यहाँ पर बुरा लग रहा है, और इनमें से कौन से खिलाड़ी के लिए आप कौन से खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर देखना चाहते हो, आप कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।